माननीय मंत्री जी ने जो जवाब रखा है उसमें जो आंकड़े आए हैं, एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है कि 2015 से लेकर ये एलईडी बल्ब जो वितरण हुए हैं उज्जवला योजना के माध्यम से, इसके जरिया देश को हर साल 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचत होता है। ये बहुत प्रशंसाजनक आंकड़े में ये भी दिखाई देता है कि कई प्रदेशों ने इस योजना का भरपूर उपलब्ध किए हैं और ज्यादा एलईडी बल्ब वितरण कर पाए हैं। उदाहरण है, आंकड़े के मुताबिक उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कई छोटे प्रदेश भी काफ़ी बड़े संख्या में ये एलईडी बल्ब को वितरण कर पाए, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। परंतु आंकड़े से दिखाई देता है कि कुछ ऐसे बड़े प्रदेश हैं जिनमें ये एलईडी बल्ब के वितरण उस संख्या में नहीं हो पाए उनके साइज के मुताबिक। कई बड़े प्रदेश हैं जो कि उत्तराखंड और हिमाचल से भी कम वितरण किए हैं। मेरा सवाल है माननीय मंत्री जी को, प्रश्न है कि ऐसे क्या दिक्कतें हैं कई प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में क्यों इसका ज्यादा वितरण नहीं हो पा रहा है और उसका वो कैसे मुकाबला करने के लिए प्लान कर रहे हैं? ये एक एनर्जी सेविंग स्कीम घोषित की गई थी कि आम आदमी का बिल इसमें कम आए और उसको प्रकाश की अच्छी व्यवस्था मिले, और ये वॉलंटियर स्कीम इस नाते से प्रचारित की गई थी थ्रू वेरियस मोड्स। उसके बाद स्टेट्स इसमें कितना इंटरेस्ट लेती हैं उस पर निर्भर करता है। बल्ब की उपलब्धता ये प्रारंभ की गई थी क्योंकि नई स्कीम थी, इसलिए उसमें कुछ कंसेशंस भी अलाउ किए गए थे। बाद में उस कीमत को, क्योंकि मार्केट के अंदर जब प्रचलन हुआ तो मार्केट में बहुत सारे बल्ब आ गए, अब उस प्रदेश में कम क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों होते हैं, प्रदेश का जो डिस्कॉम डिपार्टमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने को ठीक करने के लिए, बिजली बचत करने के लिए प्रमोशन में उनको भी आगे आना चाहिए। जो सरकारें आगे आती हैं वहाँ इस बल्ब की सेल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हुई है, जो सरकारें प्रदेश की सरकारें आगे नहीं आती हैं वहाँ ये स्थिति बहुत सामान्य मिलती है।